अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। देखो 7:06, ठीक है 7:06 और तारीख जो है ना आज वो 13 तारीख, ठीक है फरवरी 2024। और मैं ना इस वक्त निकल चुका हूँ काम पे सुबह में। और टाइम देखो, टाइम जो है ना बुकिंग जो है ना वो आ चुकी है। और ये बुकिंग मुझे इन ड्राइवर में आई है, ठीक है इन ड्राइवर में ये बुकिंग आई है। और अभी मैं जा रहा हूँ कस्टमर को पिकअप करने के लिए, ठीक है पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ। ये देखो पेशेंट, और ये सेक्टर जो है ना सेक्टर 13 से आई है बुकिंग इन ड्राइवर में। कोलाबा नेवी नगर की बुकिंग है, और क्योंकि ओला उबर तो कुछ बचा ही नहीं, इन ड्राइवर जैसे ऑन किया ऑफ़र मारा तो फट से कस्टमर ने उसको एक्सेप्ट किया। और अभी मैं जा रहा हूँ पिकअप लोकेशन पर, 5 मिनट दिखा रहा है, ठीक है 5 मिनट दिखा रहा है, पहुँच जाएंगे। और आज दिन भर में कितना काम करें, देखो उबर में भी एक बुकिंग आई है, देखता हूँ किधर की है। कल्याण रेलवे स्टेशन की बुकिंग है, तो कल्याण तो अब नहीं जाना है। और दिन भर में कितनी अर्निंग करेंगे मैं बताऊँगा आपको इसी वीडियो में। और कल तो ठीक है अपनी 3,200 रुपये की अर्निंग हो गई थी, क्योंकि कल एक्चुअली मैं लेट भी निकला था, 10 बजे घर से निकला था मैं कल, तो लेट होने की वजह से रात में लगभग मैं 12 बजे घर पर आया आज। 3,000 रुपये की सिर्फ अर्निंग बन पाई है। और अभी जो है ना नेवी नगर जा रहा हूँ, ये देखो आगे का अपडेट नेवी नगर दे के पहुँच के बताता हूँ मैं, इंशाल्लाह वहाँ से तो बुकिंग मिल ही जाती है 9 बजे के पहले तो कोशिश रहती है अपनी और मिल भी जाती है, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आप लोगों को वीडियो फटाफट मेरी मिलती रहे। और मैं यारो देखो एक बुकिंग जो है ना अभी आई हुई है, और बहुत ज़्यादा बड़ी बुकिंग है। कितनी बड़ी है मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब 146 रुपीज़ दिखा रहा है इसमें। और ये बुकिंग जो है ना मेरे को मरीन लाइन की दिखा रहा है, लोकेशन 2.5 किलोमीटर दिखा रहा है। सोचा ठीक है कोलाबा में कोई इतना दिक्कत या इतना इशू नहीं आता है, रश नहीं होता है, ज़्यादा जाम नहीं होता है, तो मैं रुका हुआ हूँ। अभी देखो सीवड़ी की बुकिंग आ रही है, BPCL सीवड़ी, लेकिन अभी ये जो है ना अपने को नहीं चाहिए, ठीक है क्योंकि 146 तो इधर का ही मिलने वाला। अच्छा अब एक प्राइवेट बुकिंग है, वो कहाँ की है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी जो है ना फ़िलहाल मैंने एक बुकिंग कंप्लीट की है नेवी नगर, नेवी नगर का मेरे को मिला है 650 रुपये टोल के साथ इन ड्राइवर में, ठीक है इन ड्राइवर में टोल के साथ 650 रुपये मिला है। बट इसकी राइड है ना कंप्लीट नहीं हो रही है, ये देखो ये प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, ये सब कम्प्लीट कर रहा हूँ ना राइड यहाँ से, कनेक्शन प्रॉब्लम प्लीज़ ट्राई अगेन लिख के आ रहा है, तो अभी क्या कर सकता हूँ, नहीं हो पा रही है। तो गाइस अभी है ना उबर में एक लोकल बुकिंग उठाई हुई है, कंप्लीट करते हैं। और एयरपोर्ट जो है ना, मैं एयरपोर्ट से एक प्राइवेट बुकिंग है जिसमें मेरे को लगभग 11 बजे पहुंचना है वहाँ पे, ठीक है 9 तो बज चुके हैं, 2 ही घंटा है, ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन अभी मिलेगी क्या नहीं पता नहीं। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम के बाद मिलता हूँ एयरपोर्ट पहुँचने के बाद, तब तक अपना। तो ये देखे भाई बुकिंग जो है ना सेलेसिया स्पेसिस, मतलब परेल में जो है ना मैं आ चुका हूँ कस्टमर को पिकअप करने के लिए। और फोर्ट से जो है ना एक भी बुकिंग नहीं लगी, मतलब लग रही थी इधर उधर की, नवी मुंबई की भी आ रही थी, जब अपने को नवी मुंबई की चाहिए रहती तभी अपने को मिलती नहीं है, और जब भी अपने को बम्बई में रहना है तो बम्बई की मिलती नहीं है, ऐसे कंपनी वाले ना अपने को परेशान करते। बट कोई बात नहीं, अभी जो है ना यहाँ पर आ चुका हूँ और एयरपोर्ट साइट की बुकिंग मुझे आ गई है। और एयरपोर्ट ही जाना था एक्चुअली, 11 बजे तक जाना था, 10:30 तो बज चुके हैं, लेकिन फ़्लाइट हो गई है थोड़ी सी डिले, उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया, नहीं तो MTP जाना पड़ सकता था, ऐसी पोजीशन आ गई थी गाइस। लेकिन अभी ठीक है, ये बुकिंग पिकअप करता हूँ और जाता हूँ एयरपोर्ट की तरफ, ड्रॉप करता हूँ और सर को पिकअप करता हूँ जिनको पिकअप करना है वहाँ से, जो प्राइवेट बुकिंग है उसकी डिटेल जो मैं आप लोगों को मतलब एंड में बताने वाला हूँ वीडियो के एंड में, जब कस्टमर को ड्रॉप करूँगा उनको, ठीक है तभी आपको बताऊँगा। तो प्लीज़ आप लोग एंड वीडियो में एंड तक बने रहो, स्किप मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि आप लोगों को वीडियो जो है ना फटाफट मिले। सो गाइज 1:35, ठीक है 1:30 बज चुका है, और मैं अभी जो है ना बोरीवली में आया हूँ। बोरीवली ये देखो, बोरीवली ईस्ट स्टेशन से पहले एक गली है राइट में, यहाँ पे है ना मैंने इनको अभी मतलब यहाँ पे मतलब मीटिंग होगी जो भी कस्टमर के साथ में, और 10-15 मिनट जो भी इनको यहाँ पर टाइम लगने वाला है, फिर यहाँ से कहाँ जाएँगे वो अभी पता नहीं, शायद कांदीवली जाएंगे, कांदीवली नहीं तो दहीसर, ऐसा कहीं पे भी जा सकते हैं। तो इनको है ना यहाँ पे ऐसा 5-6 पार्टियों से मिलाना है, और शाम को ही देखेंगे मेरे को कितने बजे तक छोड़ते हैं,
6 बजे 7 बजे तक जो है ना, उम्मीद है मेरे को 6-7 बजे तक ये मेरे को वहाँ पे विले पार्ले में इनको मैं फाइनल ड्रॉप कर दूंगा। और सिर्फ एक ही दिन के लिए बुकिंग है आज, सिर्फ आज आज के लिए नहीं, तो 2 से 3 दिन के लिए ये बुकिंग मेरी रहती है, 2-3 दिन के लिए। बट आज एक ही दिन बोला है कि सिर्फ एक ही दिन आपको रहना है, कल सुबह की मेरी फ्लाइट है तो मैं निकल जाऊँगा। मेरा ठीक है, ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो पैसे का तो अभी कोई फिक्स इनसे होता नहीं है, मेरा कुछ फिक्स नहीं है, कितना देंगे कितना नहीं देंगे कुछ पता नहीं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, फिक्स तो नहीं हुआ है अभी तक। और अभी ना बोरीवली ईस्ट में, ठीक है, तो अभी कहाँ कहाँ जाएंगे बताता हूँ आपको मैं, सब इसी वीडियो में मेंशन करने। तो गाइस अभी जो है ना गोरेगांव पहुँच चुका हूँ, ये देखो ये सामने है ना, ये देखो ये शायद आप लोग इससे पहचान गए होंगे कौन सी जगह है, ठीक है। अच्छा टाइम देखो 4:39, 4:00 जो है ना 40 मिनट मतलब हो चुका है। और अभी गोरेगांव में मैंने, ये देखो ये सामने जो एक दुकान है ना आयुर्वेद की, ये चार भुजा, यहाँ पे मैंने अभी इनको फाइनली छोड़ा है, मतलब ड्रॉप नहीं, फाइनल ड्रॉप नहीं किया है। शायद गोरेगांव में और एक दो जगह पे जाएंगे, फिर उसके बाद फाइनल चले जाएंगे हम लोग विले पार्ले, विले पार्ले ईस्ट एयरपोर्ट के सामने जो है ना सर ने होटल लिया हुआ है, यहाँ पे इनको ड्रॉप करना है, ठीक है। तो अभी कितने बजे तक ड्रॉप होएगा ये तो कोई फिक्स नहीं है, टाइम टेबल कुछ भी कभी भी हो सकता है, ठीक है, तो टाइम टेबल फिक्स तो नहीं है। लेकिन अच्छा मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा, जो हमेशा देखो बहुत बार याद आती है लेकिन बताना कभी कभी भूल जाता हूँ मैं, कि इस चीज़ का ध्यान रखो नए ड्राइवर खास करके, कि ये काम करना बहुत आसान नहीं है, बहुत ईजी नहीं है। आप लोगों को, हम लोगों को देख के लगता होगा कि यार 2000 कमा लिया, 3000 कमा लिया, 4000 की अर्निंग हो गई है, 5000 की अर्निंग हो गई, ये सब छोड़ो, ये ठीक है हो जाता है, लेकिन पता है पाँव में और चोतलों में दर्द हो जाता है, तो इतना ईजी नहीं है। इसको आप लोग इतना ईजी मत समझो कि बहुत ईजी कि ये कर रहा है तो हम भी कर, एक्चुअली में बात तो यही है कि हम लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, लेकिन इतना आसान मत समझो। मतलब कहने का ये है कि अगर आपने गाड़ी ली है और आपको काम करना है तो उसको करो, 15 दिन में 20 दिन में या महीने भर में आपको मेहनत करने की आदत जो है ना वो हो जाएगी। तो इतना घबराने की या इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। ये 15, आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आपको आलसू पने की आदत आ जाएगी, आप मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपको मेहनत करने की ऐसी आदत पड़ेगी कि आपको वो मेहनत कुछ लगेगी नहीं, लगेगा नहीं, ठीक है सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो किसी भी चीज़ को ट्राई करो पाने की, तो इतनी हद तक उसको चाहो कि वो आपको मिल जाए, ठीक है। मोहब्बत पाने के लिए भी बहुत शिद्दत से उसके पीछे लगना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो जो है ना लंबी हो जाएगी, ज़्यादा बात करेंगे तो आगे की डिटेल में थोड़े टाइम के बाद देता हूँ, यहाँ से निकलने के बाद बताता हूँ आपको कितनी अर्निंग और किसमें कितना पैसा मिलेगा। अभी तक तो 1100 रुपये का हुआ है, 7 बजे से निकला हुआ हूँ काम पे, सिर्फ 1100 अर्निंग बनी है और शाम को 5 बजने वाले हैं, मतलब 4:40 हो चुका है, ठीक है। तो गाइस बुकिंग का हो गया ड्रॉप और 6:10 जो है ना 10 मिनट हो चुका है और अपनी बुकिंग का हो गया ड्रॉप। और अभी मैं ना विले पार्ले से मतलब एयरपोर्ट के पास जो है ना मैंने ड्रॉप किया था कस्टमर को, अभी जा रहा हूँ BKC, ठीक है, BKC जा रहा हूँ। अच्छा देखो जाम जो है ना फुल इस टाइम पे लगा हुआ है, ये देखो बोरीवली जाने की साइड में फुल ट्रैफिक है और लगभग बोरीवली पहुंचने को जो है ना लोगों को कम से कम मुझे लगता है 2-2 घंटा तो लगने ही वाला है फाइनल, इससे कम तो लगता ही नहीं है, नहीं तो आप चेक करके देख सकते हो। और क्या बताऊँ आप लोगों को, ऐसा हालत ख़राब है लोगों की बहुत ज़्यादा जाम की वजह से। अच्छा इस बुकिंग में ना मुझे टोटल 2500 रुपया मिला है, जिसमें लगभग 70 किलोमीटर गाड़ी चली होगी, ठीक है 70 किलोमीटर इसमें गाड़ी चली होगी मेरी, और मुझे 2500 रुपया मिला है। और इसमें जो है ना 250 रुपया एयरपोर्ट का टोल प्लस है, तो देखो ऐसा अर्निंग कितनी हो गई आप लोग देखो, 1100 और 2500 रुपया ऐसे मिला के लगभग 3500 के समथिंग अपनी मेरी अर्निंग हो गई है। देखो जाम कितना लगा हुआ है, ठीक है। और अभी देखो डिवाइस में मैंने ना गो टू होम जो है ना दोनों में सेट कर दिया, ओला में भी उबर में भी, अब सीधा कुछ नहीं करना है, यहाँ से गो टू होम लेना है, सिर्फ नवी मुंबई साइड की बुकिंग लेनी है और निकल जाना है घर पे। तो मैं आप लोगों को और लास्ट अपडेट देके और वीडियो को एंड करता हूँ।
अभी जो है ना यहाँ से कहाँ की बुकिंग आएगी, फाइनल कितना अर्निंग होगी, वो मैं आप लोगों को इसी वीडियो में मेंशन कर दूंगा। देखो इस तरफ तो पूरा खाली पड़ा है, ये लो भाई एरोली आ रही है, एरोली ठीक है। एरोली तो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि यार एरोली सवा घंटा दिखा रहा है 346 रुपीज़ में, क्या टाइम टेबल है क्या समझ में नहीं आता है, तो इतने कम में तो मुझे जाना नहीं है ठीक है। तो नहीं लिया मैंने एरोली क्योंकि कम से कम वाशी बुकिंग चाहिए ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ थोड़े टाइम के बाद। ये देखो गाड़ियाँ कैसे स्पीड में धनाधन लगी हुई है। तो देखो भाई कभी कभी क्या होता है पता है, धंधा जो है ना, आज पहले मैं आज का बताता हूँ कि धंधे की कंडीशन तो अच्छी नहीं थी और क्या ही बताऊँ मैं आपको, लेकिन अपनी अर्निंग जो है ना वो प्राइवेट बुकिंग की वजह से हो चुकी थी, लेकिन काम सही नहीं है क्योंकि मेरे को ना, मैं कब से बैठा हूँ इधर पता है, लगभग आधा घंटा हो गया मेरे को, लेकिन कोई बुकिंग आ ही नहीं रही है। नहीं तो सीवुड से तो बुकिंग 5 से 10 मिनट में लग जाती है घर घर की, लेकिन कोई बुकिंग अभी मुझे नहीं आ रही है। मैं देखो सीवुड मॉल से घूम घाम के इधर से पूरा सब वापस से इधर ब्रिज के पास आके बैठ गया, और अभी सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ एम्प्टी घर। अगर रास्ते में चलते चलते कोई मेरे को बुकिंग मिली तो ठीक है, और नहीं मिली तो सीधा चले जाऊँगा घर, क्योंकि बॉडी ना थक गई है, दो एक दिन से ज़्यादा आराम नहीं मिला है मुझे। तो सोच रहा हूँ कि आज जाके जल्दी थोड़ा सा मैं सो जाता हूँ। और देखो इसमें भी पता नहीं कहाँ कहाँ की, मुमरा की ना उल्लासनगर की ऐसे बुकिंग आ रही है। इन ड्राइवर भी ऑन किया हुआ है, ओला भी ऑन किया हुआ है, उबर भी ऑन किया हुआ है, तीनों में से कोई भी नहीं बज रहा है कारगर। तो इसके लिए मेरे को लगता है अब यहाँ टाइम ख़राब करने से बेस्ट है कि मैं घर पे जाके थोड़ा सा आराम करूँ। और आज जो अर्निंग हुई ना वो एकदम अच्छी हुई है मतलब, और CNG कितनी लगी है मैं बताता हूँ, अर्निंग कितनी हुई है 5,490 रुपये की जो है ना लगभग CNG लगी है, और 3,750 रुपये की अर्निंग हुई है। लेकिन आज जो है ना एम्प्टी सुबह में और अभी शाम में जो है ना काफ़ी गाड़ी एम्प्टी चल जाएगी मेरी, काफ़ी गाड़ी जो है ना वो खाली चलानी पड़ेगी एम्प्टी, जिसकी वजह से 900 रुपये का ये। देखो आइए भाई आइए किधर आइए, पनवेल की तो खैर नहीं चाहिए यार, पनवेल क्या करूँ जाके, पनवेल की बुकिंग दे रहा है नेरुल से, पनवेल नहीं जाना है इस, पनवेल से फिर वापस से मेरे को टाइम ख़राब करके 10 किलोमीटर फिर से खाली जाना पड़ेगा, तो इसके लिए पनवेल नहीं चाहिए, खारघर ही चाहिए खाली, खारघर नहीं तो कलम बोली, दो में से किधर भी मिलेगी तो चाहूँगा नहीं तो नहीं जाऊँगा। अच्छा मैं वीडियो को एंड करता हूँ, 3,750 की अर्निंग और 900 रुपये की CNG, जिसमें 900 से भी कम की लगी है शायद यार, 800 रुपये की लगी है, सॉरी 800 रुपये की CNG लगी है गाइस 3,750 की अर्निंग में, 800 रुपये की ठीक है। आज की कमाई आप देख सकते हैं कितनी हुई है, कम से कम काम में भी जो है ना कुछ तो अपने को मिल ही जाता है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है काम पे जब अपना फोकस रहता है ना तो फिर काम भी हो ही जाता है ठीक है। तो मैं आप लोगों को मिलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ दबा के। चलिए मैं अब मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।